यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते गेहूं का संकट खड़ा होने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आंखों में खटक रही है और भारत पर इस बैन को खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। भारत अपने हितों के मद्देनजर अभी तक इस दबाव के आगे तन कर खड़ा हुआ है और अब जिनेवा में होने वाली एक बड़ी मीटिंग में एक बार फिर से भारत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत इस मीटिंग में एक ऐसा दांव चल सकता है जिसके आगे भारत पर दबाव बनाने वाले रईस देशों के संगठन यानी G7 के हथकंडे नाकाम हो सकते हैं। अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिनेवा में 164 देशों के संगठन WTO की मीटिंग 12 जून से शुरू हो रही है, जिसमें तमाम देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। चार साल बाद हो रही इस मीटिंग में G7 देशों की कोशिश है कि भारत को बैकफुट पर धकेलने के लिए उसके गेहूं पर लगे बैन के फैसले को पलटवाया जाए। इसके लिए 50 देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत गेहूं जैसे उत्पाद पर लगी पाबंदियां खत्म की जाएं ताकि यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए खाद्य संकट से उबरा जा सके। दरअसल इस प्रस्ताव का असली निशाना भारत ही है, जो रूस के बाद दुनिया में गेहूं पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया को भुखमरी से बचाने के मसले पर भारत को इतने बड़े मंच पर दबाव में लाने की G7 की इस कोशिश की काट में भारत के पास एक ऐसा तर्क है जिसके आगे अमेरिका की ये रणनीति फेल हो सकती है। दरअसल भारत का तर्क है कि गेहूं की समस्या से निजात पाने के लिए WTO पहले अपने उस नियम में बदलाव करे जिसने अमेरिका जैसे रईस देशों के व्यापारियों के हक में भारत जैसे विकासशील देशों के हाथ बांध रखे हैं। दरअसल WTO वो संगठन है जो दुनिया भर में व्यापार के नियम बनाता है और इसी के एक नियम के तहत दुनिया का कोई भी देश MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर अपने किसानों से गेहूं या चावल एक लिमिट से ज्यादा खरीद नहीं सकता और इस खरीदे गए अनाज को किसी दूसरे देश को एक लिमिट से ज्यादा बेचा नहीं जा सकता। यानी अगर भारत जैसे देश को किसी दूसरे देश को अनाज बेचना है तो उसे विदेशी व्यापारियों से भी अनाज खरीदना होगा। ये नियम सीधा सीधा अमेरिका और यूरोप के बड़े अनाज व्यापारियों को फायदा देने वाला है। भारत चाहता है कि अगर गेहूं के संकट से दुनिया को निकालना है तो इस नियम में बदलाव किया जाए, जबकि G7 देशों की कोशिश है कि भारत का गेहूं संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते के तहत गरीब देशों को बेचा जाए, जबकि भारत कंट्री टू कंट्री गेहूं की डील करना चाहता है, यानी जिस देश को जरूरत है वो खुद भारत से डील करके गेहूं या चावल खरीदे। यही वो बात है जिस पर पेंच फंसा हुआ है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत भी अपने पक्ष पर मजबूती के साथ कायम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।